अब इसको गो थ्रू कर लें, पढ़ लें इसको आप. लाइक सबसे पहले लिखा हुआ है, ऑन रिव्यूइंग हिज परचेजेस अकाउंट गनी फाउंड द फॉलोइंग एरर्स. नंबर वन, गुड्स परचेज फॉर कैश 450 हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स. हमने गुड्स परचेज की थी, वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं की, वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं की, हमने नोट डाउन ही नहीं की. तो मुझे बता सकते हैं ये कौन सा एरर है? बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया है. जी गाइस, चैट के अंदर भी बता सकते हैं, अगर आप लोगों ने बताना है चैट के अंदर भी बता सकते हैं गाइस, ये कौन सा एरर है. बी क्विक गाइस. एक्सीलेंट बेटा, अगर हमने कोई एंट्री बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं की है, बिल्कुल हमने रिकॉर्ड नहीं की है, नॉट हैड बीन रिकॉर्ड इन द बुक्स, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? एरर ऑफ ओमिशन कहलाएगा, जो इसने यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, दूसरी बात, बाज पेपर में सवाल आता है प्रॉफिट पे इसका इम्पैक्ट बताओ. तो एक छोटी सी बात याद रख लो कि प्रॉफिट जो है ना वो इनकम और एक्सपेंस से बनता है आपका. हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट होती है ना, इनकम स्टेटमेंट, उसमें आपके एक्सपेंसेस जा रहे होते हैं और उसमें आपके इनकम जा रही होती है. तो ये कैश है, ठीक है, कैश क्या है? हमारा एसेट है, ये उसका पार्ट नहीं बनता इनकम स्टेटमेंट का. लेकिन ये जो परचेजेस है ना, परचेजेस, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनता है. और ये आपके लिए क्या होता है? ये आपके लिए एक्सपेंस होता है. परचेजेस बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है. तो वो सवाल क्या कर रहा है? कंप्लीट द टेबल बिलो मीनिंग द टाइप ऑफ एरर, और उसके बाद इफेक्ट ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ करेक्टिंग द एरर. अगर मैं इसको करेक्ट करूंगा, करेक्ट करने से बाद मैं जब इसकी एंट्री रिकॉर्ड करूंगा, तो इसकी एंट्री क्या होगी? परचेजेस डेबिट, परचेजेस को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे. कितने से? 450 से. और कैश को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे. कितने से? 450 से. तो इस एंट्री से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इस एंट्री से ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि जब हम उसको करेक्ट करेंगे तो हमारी परचेजेस में इजाफा हो जाएगा. हमारी परचेजेस क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी. हमारा एक्सपेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो आप मुझे बता सकते हैं, जब हमारे एक्सपेंसेस में इजाफा होगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? अगर हमारे एक्सपेंसेस में इजाफा होगा, कम होगा. तो उसने यही किया है. नीचे देखें, उसने क्या है कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा. दूसरी एंट्री पढ़ते हैं. गुड परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सी मैक्स ले हैड बीन रिकॉर्डेड इन द बुक एज 590. ठीक है, जब भी वो आपसे किसी एरर का नाम पूछे, मोस्टली हमारे पास वो एरर आते हैं इसके अंदर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, जो आपने 6 एरर पढ़े, मोस्टली यही आते हैं. तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल है, और हमारे पास दूसरा एक एरर होता है कंपनसेटिंग एरर. तो वो कौन सा एरर है जिसमें अमाउंट हम गलत लिखते हैं, ज्यादा लिख देते हैं या कम लिख देते हैं? इन 6 एरर्स में से वो कौन सा एरर है जिसमें अमाउंट आपका चेंज आता है? तो अगर आप सबको याद हो, हमारे पास एक ही ऐसा एरर है जिसका नाम है हमारे पास एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री. अगर आपको याद हो तो हम यहाँ लिखेंगे एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री. यहाँ तक मेरे साथ है? दूसरा उसने सवाल ये किया है कि ये बताएं कि इस एरर का प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा. ठीक है, अगर हम इसको ठीक करते हैं तो इसके ठीक करने से क्या होगा, मुझे बताएं. अब इसमें दो चीजें हैं, एक परचेजेस है, एक सी मैक्स ले है. एक परचेजेस है, एक सी मैक्स ले है. सी मैक्स ले का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है. सी मैक्स ले क्या है? हमारा ट्रेड रिसीवेबल है. क्या है? ट्रेड रिसीवेबल है. हमारा ट्रेड पेबल है. ठीक है, हमने सामान बाय किया, ये लाइबिलिटी हमारे लिए. तो इस एंट्री को जब मैं करेक्ट करूंगा तो मैं बेसिकली ये एंट्री करूंगा. मैं लिखनी तो नहीं चाहिए लेकिन समझाने के लिख रहा हूँ. मैं लिखूंगा परचेजेस को डेबिट करूंगा और सी मैक्स क्ले को मैं क्रेडिट करूंगा क्योंकि मैंने अमाउंट कम लिखा है. कितना है इन दोनों अकाउंट, मुझे बता सकते हैं? जी गाइस, नहीं बेटा, दोनों का डिफरेंस आएगा ना. हमने 950 की जगह पे 590 लिखा है, तो ये हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 700, 110, फिर हो जाएगा 800, 210, फिर हो जाएगा 900, 310, ये 360 हो जाएगा. तो 360 का आपके पास डिफरेंस है. तो 360 हम डेबिट कर देंगे परचेजेस में और सी मैक्स क्ले में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे. तो मुझे बताएं, जब मैंने परचेजेस को डेबिट किया 360 से, तो मेरे एक्सपेंस में इजाफा हो गया या कमी आ गई? गाइज बी क्विक. कश्यप बेटा आप भी रिप्लाई करें, जब हम परचेजेस को डेबिट करेंगे तो हमारी परचेजेस में इजाफा हो रहा है.
इट मींस हमारे एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है, ऐसा है या नहीं है? बेटा आप सब लोग यहां पर हैं? यस सर। तो मैं अगेन बता दूं, प्रॉफिट पे जो इंपैक्ट पड़ता है दो चीजों का पड़ता है, एक को हम कहते हैं इनकम और एक को हम कहते हैं एक्सपेंस। इन दो चीजों का इंपैक्ट प्रॉफिट पर पड़ता है, बाकी किसी भी चीज का प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक इनकम होता है और एक एक्सपेंस होता है। तो परचेजेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। हमारे एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, इट मीन्स हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज बाय 360 हम इस तरीके से इसको करेंगे। ये प्रॉफिट वाला पार्ट मैं आगे भी आपको कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा आगे चले, थर्ड एंट्री, अ परचेज ऑफ अ मोटर व्हीकल, अ परचेज ऑफ अ मोटर व्हीकल 6000 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द परचेजेस अकाउंट। मोटर व्हीकल को डेबिट करना था, उसकी जगह पे हमने परचेजेस को कर दिया। मोटर व्हीकल को डेबिट करना था, उसकी जगह पे हमने परचेजेस को कर दिया। ठीक है, तो ये एरर ऑफ कौन सा है? हम सब ने पढ़ा था कि अगर हम कोई रॉन्ग अकाउंट में एंट्री करते हैं और उनकी नेचर डिफरेंट हो, आप सबको पता है मोटर व्हीकल क्या है? एसेट है हमारा, और परचेजेस क्या है? एक्सपेंस है। दोनों की नेचर क्या है? डिफरेंट है। परचेजेस कहाँ जाता है? इनकम स्टेटमेंट में। मोटर व्हीकल कहाँ जाता है? एसओएफपी में जाता है। तो इसको करेक्ट करेंगे तो इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो परचेजेस हमारे पास डेबिट हो जाएगा, सॉरी हमने मोटर व्हीकल बाय किया ना, तो मोटर व्हीकल को इग्नोर कर दिया था हमने, तो मोटर व्हीकल डेबिट हो जाएगा 6000 से, और परचेजेस को हमने खामखा डेबिट किया था, उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे 6000 से। अब मुझे आप एक बात बताएं, परचेजेस क्रेडिट हो रही है, परचेजेस क्रेडिट होने का मतलब ये कि परचेजेस आपकी रिड्यूस हो रही है, परचेजेस आपकी रिड्यूस हो रही है। तो जब आपकी परचेजेस रिड्यूस हो रही है, परचेजेस आपकी क्रेडिट हो रही है, आपका एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या होगा मुझे बताएं? बढ़ेगा, शाबाश, तो हम लिखेंगे इंक्रीज बाय 6000। आखिरी वाले में आ जाए, वो कह रहा है हमने गुड्स परचेज किए हैं वाई लीस है, वाई लीस है, वाई ली, वाई ली कौन होगा? हमने ट्रेड पेबल होगा, लाइबिलिटी होगी, हैड बीन क्रेडिटेड टू द परचेजेस अकाउंट एंड डेबिटेड टू वाई ली अकाउंट। देखो जब हम परचेज करते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं, परचेज को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यहां हमने क्या किया है? क्रेडिट किया है, और वाई ली हमारी लाइबिलिटी है तो उसको क्रेडिट करना था, लेकिन हमने क्या किया? डेबिट किया है। जी तो ये कंप्लीट रिवर्सल है, सही फरमा रहे हैं। इसकी एंट्री क्या होगी मुझे ये बताएं? इसकी एंट्री क्या होगी जल्दी से बताएं, और प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए गाइस, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो सर समझिए, हमने परचेज की थी वाइली से, तो बेसिकली एंट्री होनी चाहिए थी, परचेजेस डेबिट होनी चाहिए थी, ठीक है 820 से, और वाई ली को क्रेडिट होना चाहिए था 820 से। परचेज हमेशा डेबिट होती है नॉर्मली, ये असल एंट्री थी, ये आपकी असल एंट्री थी जो आपको करनी थी, जो आपको करनी थी, लेकिन आपने क्या किया? आपने परचेजेस को कर दिया क्रेडिट, आपने परचेजेस को कर दिया क्रेडिट और वाई ली को कर दिया डेबिट। मैं इसको इस तरह समझाता हूँ, आपको करना ये था कि परचेजेस को डेबिट करना था 820 से, और आपने क्या किया? परचेजेस को क्रेडिट कर दिया 820 से। अब जब ठीक करना होगा ना, तो असूल ये है, अगर हम इसको ठीक करें तो हमें इस तरीके से ठीक करना है कि इसकी डेबिट साइड 820 से बढ़ जाए, क्योंकि अगर मैं सही काम करता ना तो मैं परचेजेस को डेबिट करता, मतलब परचेजेस की डेबिट साइड 820 से बढ़ जाती, 820 से बढ़ जाती, लेकिन मैंने ये किया है, मैंने ये वाला काम किया है, मैंने 820 से क्रेडिट किया है। अब मुझे यहाँ ऐसा अमाउंट लिखना होगा, ऐसा अमाउंट लिखा होगा कि जो एरर को कंपनसेट भी कर दे और ये वाली साइड 820 से बढ़ भी जाए। तो कंप्लीट रिवर्सल में हम क्या करते हैं बेटा? कंप्लीट रिवर्सल में हम ये करते हैं, जब भी इस तरह के हमने अपोजिट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड की हो तो उसमें हम ज्यादातर ये करते हैं कि डबल अमाउंट से एंट्री करते हैं। क्यों करते हैं मैं जरा बताता हूँ। हम 820 लिखेंगे एंड देन अगेन 820 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? एक तो 820 से लिखेंगे ताकि जो हमने गलती की है वो कंपनसेट हो जाए, वो सेट ऑफ हो जाए। दूसरा 820 से लिखेंगे ताकि ये वाली साइड जो है डेबिट साइड जो है बढ़ जाए 820 से। अगर आप खाली 820 लिखेंगे ना
तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, ये वाला काम नहीं हो पाएगा, इसकी 820 से डेबिट साइड बढ़ नहीं पाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बंदे को आपने 200 रुपये देने थे, 200 रुपये देने थे, आप उससे उल्टा 200 रुपये लेकर आ गए, 200 रुपये लेकर आ गए। अब जाहिर सी बात है कितने वापस करोगे आप उसको, 400 वापस करोगे, 200 उसके अपने वापस करोगे और 200 जो आपने देने थे वो आप देंगे उसको, जो आपको बेसिकली देने थे अपने जेब से आप वो देंगे उसको, और 200 जो आपने उससे लिए वो भी वापस करेंगे। ठीक है गाइस, अब आते हैं जरा इसको, इसमें क्या होगा, हमारे पास परचेसेस हो जाएगा डेबिट डबल अमाउंट से, डेट इज 1620, और वाइली क्रेडिट हो जाएगा 1620 से। तो परचेसेस जब डेबिट होगा, परचेसेस जब डेबिट होगा तो इट मींस लाजमी बात है आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा 1620 से। ठीक है, तो यहाँ परचेसेस डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं, ये 8 मास का सवाल था बेटा। अच्छा जी आ जाए, इस सवाल को जरा देखें और मुझे बताएं, बल्कि मैं यहां देता हूं, मुझे एरर की टाइप बताएं, ये कौन सा एरर है। पहला एरर तो उसे समझा दिया है, अ चेक रिसीव फ्रॉम डी मोए 450 हैड बीन पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ डी के, तो नेमिंग एरर है, नेमिंग एरर है। इस एरर को हम प्यार से क्या कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन कहते हैं इसको हमने, तो उसने लिखा हुआ, ये तो कोई मसला नहीं है। दूसरा बताएं मुझे, दूसरा वाला बताएं जल्दी, बी क्विक गाइस, दूसरा वाला क्या है हमारे पास, सब बेटा सब लोग पार्टिसिपेट करें, संजना ने मुझे आंसर दे दिया, बाकी लोग भी रिस्पॉन्स। संजना बेटा माइक बंद कीजिएगा। देखो दूसरे वाले एरर में आपने अगर एक चीज नोट की हो, An invoice for good receive costing 790 had been recorded in the purchase journal as 970. हमने एक invoice receive की थी, invoice किसे कहते हैं, बिल को, हमें एक बिल मिला था, जाहिर सी बात है हमने परचेज की होगी, जब हम सेंड करते हैं तो सेल्स होती है, जब हम रिसीव करते हैं तो परचेज होती है। सो 790 की हमने क्या की थी, बेसिकली परचेज की थी, तो हम सबसे पहले जाके क्या करते हैं, परचेज जर्नल में जाके परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम परचेज जर्नल में कोई एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो परचेजेस भी ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा और आपका पेबिल भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो वो कह रहा है 790 की एंट्री थी, लेकिन हमने कितना लिखा, 970, हमने ज्यादा लिख दिया। अब हमें कम करना है, मुझे बताएं कम करने के लिए क्या करेंगे, हमने परचेजेस को और जो हमारा ट्रेड पेबिल है उन दोनों को बढ़ा दिया है, उन दोनों को इंक्रीज कर दिया है, तो अब क्या करना पड़ेगा बेटा, जाहिर सी बात है अब इनको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अच्छा इसने हमसे ये नहीं पूछा कि ये बताओ कि ये एंट्री क्या होगी, उसने ये बताया ये कौन सा एरर है जिसमें अमाउंट गलत लिखते हैं, जल्दी बताएं कौन सा एरर है जिसमें अमाउंट गलत लिखते हैं, आप सब लोगों ने पढ़ा है, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसमें हम क्या करते हैं, अमाउंट गलत लिखते हैं। ठीक है, अच्छा जी उसके बाद आते हैं, उसके बाद कह रहा है डिस्काउंट रिसीव 45 हैज बीन डेबिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू एफटी लिखा हुआ है। सो डिस्काउंट रिसीव किया हमने, डिस्काउंट रिसीव क्या होती है, इनकम होती है, तो इनकम हमेशा क्या होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए, और जो रिसीवेबल है वो क्या होना चाहिए, जो आपका पेबल है वो क्या होना चाहिए, वो डेबिट होना चाहिए। बेटा ये एरर ऑफ कमीशन तो नहीं है, आपको क्या हो गया बेटा, हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होना चाहिए, हमने क्या किया, डेबिट किया है। ठीक है, डिस्काउंट जब रिसीव करते हैं क्या एंट्री होती है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, और जो आपका ट्रेड पेबल होता है उसके हम डेबिट साइड पे जाके लिखते हैं, अगर आपने कंट्रोल अकाउंट बनाया हो आप डेबिट साइड पे जाके लिखते हैं, तो बेसिकली एंट्री ये होती है, लेकिन हमने क्या किया, हमने उल्टा सीन कर लिया, ये जो ट्रेड पेबल है उसको हमने किया है क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव को हमने किया है डेबिट, आप देख लें। तो ये कौन सी एंट्री है, देखो हर चीज का एक रूल है, एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, रॉन्ग अकाउंट में एंट्री करते हैं, रॉन्ग अकाउंट में एंट्री करते हैं, रॉन्ग अकाउंट में, क्या एंट्री रॉन्ग अकाउंट में भी है, नो सर, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एरर ऑफ कमीशन होता है नेमिंग एरर, नेमिंग एरर, ये ऊपर आप दे सकते हैं, दो नाम है, टीमो एंड डी के, नेमिंग एरर होता है। अच्छा, एरर ऑफ ओरिजिन एंट्री होता है जहाँ अमाउंट गलत होता है, बाकी सब कुछ सही होता है, एक नई चीज कॉमन है। एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल में हम उल्टा सीन करते हैं, लाइक डिस्काउंट रिसीव्ड
क्रेडिट होना चाहिए था, हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव अगर क्रेडिट होता तो एफटी क्या होता, डेबिट होता, हमने क्या किया, क्रेडिट किया, बिल्कुल उल्टा कर दिया है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कंप्लीट रिवर्सल। क्या कहलाएगा, कंप्लीट रिवर्सल, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। अच्छा, जिसके बाद आ जाए दूसरे पहले हैं, रिपेयर्स टू फिक्सर एंड फिटिंग 800 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द फिक्सर एंड फिटिंग्स अकाउंट। सर ये क्या है, रिपेयर्स एक्सपेंस होता है एंड फिक्सर एंड फिटिंग हमारे एसेट होते हैं, तो रिपेयर्स को डेबिट करना था, हमने फिक्सर एंड फिटिंग को कर दिया। जी शाबाश बेटा, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इसमें रॉन्ग अकाउंट एंट्री की है। रिपेयर्स की जगह पे, रिपेयर्स की जगह पे हमने जो है फिक्सर एंड फिटिंग अकाउंट में जाके एंट्री कर दी है। नेचर भी दोनों के डिफरेंट है, रिपेयर्स इनकम स्टेटमेंट में आता है, फिक्सर एंड फिटिंग आपका उसमें आता है, एसेट में आता है। अच्छा जी, मैं पहले इजी वाले सवाल करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा अब इसको जरा देखते हैं, इसको जरा देखें, पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। जनरल एंट्रीज करनी है आपने, शुरू के तीन देखें, मैं आ रहा हूँ एक मिनट। ओके सुनिएगा, सबसे पहले The credit sales of good 424 to K watt has been recorded in all the book as 242. तो हम सब ने पढ़ा है कि जहां अमाउंट गलत हो, देखो बेटा ये K watt है, इसमें नाम का मसला नहीं है। अगर आप कहते हैं भाई ये error of commission है, तो इसमें नाम वगैरह का मसला नहीं है, नाम का मसला क्या है, इसमें वो बोला है अमाउंट, देखें अमाउंट, error of commission में अमाउंट सेम होता है। यहाँ देखें जो मेन एलिमेंट है क्या है, वो अमाउंट सही नहीं है इसका, देखें 424 की जगह इसने 242 लिख दिया है, अमाउंट इज रॉन्ग। तो सर ये क्या है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है बेटा, ओ एरर ऑफ ओरिजिन एंट्री है, एरर ऑफ ओरिजिन एंट्री है। ये एक बार दोबारा आप वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए कि कौन सा एरर किसको कहते हैं। सो इसको हम ठीक करेंगे बेटा। तो पहले मुझे बताएं हमने ज्यादा लिखा है या कम लिखा है। सर हमने कम लिखा है, तो हमें सेल्स को बढ़ाना है, जल्दी से बताएं सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट या डेबिट, बी क्विक गाइस। सेल्स को बढ़ाना है, सेल्स को इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है सेल्स को, तो हम सबको पता है सेल्स हमारी क्या होती है, इनकम होती है। तो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। हमने 424 की सेल्स की थी लेकिन हमने जाके लिखा है 242, तो हमें सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए सेल्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अमाउंट इज 182, 182 नहीं आ रहा होगा बेटा, या 182 ही आ रहा है आपके पास अमाउंट, और डेबिट करेंगे के वॉट को। एक बार अमाउंट कंफर्म कर लेता हूं जब तक आप दूसरा एरर देखें जल्दी से। हाँ 182 आ रहा है, ठीक है जी, ओके गाइस। अच्छा दूसरा एरर देखें, एन इनवाइस अमाउंट ऑफ 370 फॉर मोबंडा गैराज फॉर रिपेयर हेड Not been entered in the books. Not been entered in the books. Sir, ये क्या है? Basically repair करवाया था हमने. Repair करवाया था हमने. तो repair हमारा क्या है? Expense है. तो repair क्या हो जाएगा? Debit हो जाएगा. कितने से? 370 से. और repair जिस बंदे से हमने करवाया, उधार पे करवाया. Invoice का मतलब उधार पे करवाया. तो Mobanda garage जो है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा? वो credit हो जाएगा कितने से? 370 से. अच्छा उसने बोला इसकी narration भी करनी है. तो नरेशन मैं आपको बता देता हूँ, नरेशन कैसे करेंगे। नरेशन में ये करेंगे जैसे पहला वाला है ना, हम लिख देंगे करेक्शन ऑफ एरर, करेक्शन ऑफ एरर ऑफ एन अमाउंट रिकॉर्डेड इनकरेक्टली इन के वॉट एंड सेल्स अकाउंट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, सिंपली आपने बताना है हुआ क्या है, कोई अमाउंट नहीं बताना आपने उसके अंदर, कोई अमाउंट नहीं बताना, अमाउंट नहीं बताना, सिर्फ डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। इसी तरीके से Recording of an entry entirely omitted, या recording of an invoice entirely omitted from Mobanda garage, या recording of repair expense on credit from Mobanda garage entirely omitted, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है गुड बॉट फ्रॉम ए स्मिथी फॉर 700 हैज बीन एंटर्ड इन ए स्मिथ अकाउंट। हमने गुड्स बाय किए हैं, गुड्स बाय किए हैं, जब हमने गुड्स बाय किए हैं तो परचेजेस क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था।
और ए स्माइथी क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। हमने क्या किया, अब अगर वो कुछ भी नहीं बोलता तो परचेज को हमने डेबिट ही किया होगा, उसकी जगह पे ए स्मिथ को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ए स्मिथ को हमने क्रेडिट कर दिया। तो प्रॉब्लम इज विद दीज टू, हमने ये वाला काम किया जो रेड कलर से मैंने किया है, तो परचेज तो ठीक है चलो कोई मसला नहीं, लेकिन ये जो ए स्मिथ को हमने क्रेडिट किया ये गलत किया है, इसको क्रेडिट करना ही नहीं था, इसकी जगह पे ए स्माइथी को करना था। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ये मैं समझाने के लिए एंट्रीज लिख रहा हूँ, आप लोगों ने ये एंट्रीज नहीं करनी। ठीक करने के लिए जो हमारा ओरिजिनल बंदा है ए स्माइथी, उसको हम क्या कर देंगे, जब भी हम परचेज करते हैं तो हमारा सप्लायर क्या होता है, क्रेडिट होता है, और ए स्मिथ को हमने खामखा वो किया था क्रेडिट, तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट अमाउंट आ जाएगा 700। ठीक है ना, आप इसके आगे लिख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ करेक्शन ऑफ एन एरर एन एंट्री रॉन्गली रिकॉर्डेड इन ए स्मिथ अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अच्छा जी सर, इसके बाद आगे चलते हैं। बेटा आप लोग अपनी एंट्रीज को सही करें बेटा, कि डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है, प्रॉपर काम करें। बेटा मैंने कहा ए स्माइथी क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट वर्ड यूज़ नहीं किया मैंने, मैंने बोला ये जो बंदा है हमारे पास ये क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने परचेज की थी तो ये क्रेडिट होगा, ये सप्लायर है हमारा, तो इसको क्रेडिट करना था, इसकी जगह पे हमने इसको कर दिया ए स्मिथ। यहां तक बेटा बातें क्लियर है, जल्दी से बताएं मुझे। गाइज मेरी बातें क्लियर हैं, कश्यप बेटा, तला बेटा जी, आप दोबारा भी जाके वीडियोस वॉच कीजिएगा। चलिए जी इस एंट्री पे आ जाए, फोर्थ पे, परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर 10,000 फॉर यूज इन द बिजनेस हैड बीन डेबिटेड टू द परचेजेस अकाउंट। हमने इक्विपमेंट परचेज किया था पर जाके परचेजेस अकाउंट में लिख दिया, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो हमने इक्विपमेंट परचेज किया था, इक्विपमेंट को डेबिट करना था, वो बोलेगा नहीं, आपने खुद समझना है इक्विपमेंट क्या है हमारे लिए, एसेट है, क्या होता है एसेट, डेबिट होता है, और परचेजेस क्या एक्सपेंस है, क्या होता है, डेबिट होता है। तो वो बोलेगा नहीं कि मैंने डेबिट किया है क्रेडिट किया, आपने खुद अज्यूम करना होगा समझा। तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट हमारा एसेट होता है, डेबिट होता है, तो इक्विपमेंट को डेबिट करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, डेबिट किसको कर दिया, परचेजेस को कर दिया, तो परचेजेस को अब क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट, और इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे 10,000 से, और नरेशन में लिख देंगे करेक्शन ऑफ एन एरर एज इक्विपमेंट बॉट रिकॉर्डेड इन एरर इन टू द परचेजेस अकाउंट। ठीक है ना, इस तरीके से आप बता देंगे। अच्छा जी, उसके बाद आखिरी है, ये थोड़ा मुश्किल है, ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये वाला जो है ना, ये वाला जो एरर है, ये आप बस नोट डाउन कर। सर, जी, तो परचेजेस तो को पहले हमने डेबिट किया होता तो वो अमाउंट कहाँ जाएगा, जैसे ऊपर हमने किया था ना, क्रेडिट कर देंगे ना बेटा, हम परचेजेस को क्रेडिट करेंगे ना इसके अंदर, तो वो इक्वल नहीं हो जाएगा, बैलेंस नहीं हो जाएगा दोनों अकाउंट परचेजेस का। हाँ बैलेंस हो जाए क्यों उसमें, अब उसको हमने गलत किया ना परचेजेस को डेबिट करके, परचेज को डेबिट करना ही नहीं था, तो अकाउंटिंग में रूल तो यही है कि अगर आपने कोई चीज गलती से डेबिट की है तो आपने क्रेडिट करनी है, ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए, ताकि उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाए। समझना बेटा, अगर मैं किसी अकाउंट में गलती से जाके 10 रुपीज डेबिट साइड पे लिख देता हूँ, नहीं लिखने थे, तो अकाउंटिंग में हम ये नहीं कि इसको जाके काट दें या मिटा दें, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस आपने क्या करना है इसके क्रेडिट साइड पे भी 10 लिख देना है, ताकि दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, वो इम्पैक्ट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा उसका। ठीक है, ये रूल है अकाउंटिंग का। तो अगर हमने कोई जाके गलती से किसी अकाउंट को जाके क्रेडिट किया है तो हम डेबिट कर देंगे, अगर गलती से डेबिट किया है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का मैं भी नहीं समझा रहा, क्योंकि इसमें इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे, तो ये मैं कल समझाऊंगा आपको। देखिए नोट डाउन कर लें इस एंट्री को, आपने मुझे याद दिलाना है, ये बहुत प्यारी एंट्री है ये वाली जो है। चलें जी, सही 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 सही, अब है सस्पेंस।